गंज बासोदा में श्री रामलीला का भव्य शुभारंभ हुआ। नगर के मुख्य मार्गों से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मधुलिका अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीला जैन सहित बड़ी संख्या में नागरिक एवं नगर पालिका परिषद के पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ त्यागी जी महाराज द्वारा किया गया। मेला समिति के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि इस बार मेले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच पर लाना, सारेगामा कार्यक्रम, भव्य भजन संध्या, अखिल भारतीय विराट कबड्डी सम्मेलन, कव्वाली का शानदार मुकाबला एवं भव्य देवी जागरण एवं भजनों की रंगारंग प्रस्तुति सहित अनेक कार्यक्रम प्रतिदिन नगर पालिका परिषद की ओर से आयोजित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर क्या क्या तैयारी और क्या क्या कार्यक्रम होंगे पूरे मेला के दौरान? सबसे प्राचीनतम मेला है जो धीरे धीरे अपनी छाप खोता जा रहा था। इस बार हमारा प्रयास रहा है ये मेला सर्वश्रेष्ठ लगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पुराने जितने रीति रिवाज से, जिसे अभी अपना आज हम श्री राम जी की बारात के रूप में स्टेशन से राम जी की भव्य शोभा यात्रा लेकर आए। वहीं पर हमने एक 8-10 मिनट का भगवा ध्वज इसका अनावरण करवाया श्री त्यागी जी महाराज जी से। आगे हमारे कार्यक्रमों में 10 तारीख से आपका जन संध्या का कार्यक्रम है, 11 को कवि सम्मेलन है, 12 को कव्वाली का जो देश के मशहूर कव्वाल है श्री शरीफ परवाज जी उनका कार्यक्रम है, 13 को नगर की प्रतिभाओं को गायन के क्षेत्र में निकालने के लिए सारेगामा का आयोजन है जिसका फाइनल राउंड हम यहाँ पर मंच के द्वारा करेंगे।